ये जो गाइस आप देख रहे हो, ये खेती की हुई है दालों की, एक माँ की दाल, माँ दाल है ना इसमें, राजमा और एक दो दालें और है, उनका मेरे को नाम नहीं पता, वो बो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह में कुछ लगी हुई है ये। तब इन खेतों से होते हुए हम जा रहे हैं आगे नज़ारा देखने, और यहाँ नीचे रावी नदी की आवाज़ आ रही है। गाइस नज़ारा देखिए पूरा, ये पहाड़ वो नीचे रावी नदी, इधर इधर सामने वाले पहाड़ पे धूप है अभी, और इधर छांव हो चुकी है, पहाड़ों में ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ये है गाइस यहाँ का कुछ व्यू, ये सामने पहाड़, वो सामने इधर भी घर दिखाई दे रहे हैं, और इधर नीचे खेती बाड़ी की हुई है, और ये है कुछ यहाँ का एकदम अलग सा पेड़ जो आपको यहीं देखने को मिलेगा, मैंने तो आज तक यही देखा है। तो इसके पत्ते होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, इसके यहाँ पे बोलते हैं बन का पेड़, बन बन बोलते हैं भाई, देवदार है, देवदार तो बोल रहे ना यार। और इधर देखिए पीछे सारे देवदार के चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ चीड़ जो भी है उसके पेड़ है, पूरा जंगल है ऊपर तक। और इनमें कौन रहता है, आलू ब्लैक बियर रहता है, यहाँ पे काफी जंगली जानवर रहते हैं, और ये सारा यहाँ का। और भाई हवा चल रही ठंडी, काफी मस्त हवा चल रही है, और ये दो भाई अपने विशाल और ये अमित, और यहाँ से नीचे रावी नदी और वो सड़क भी दिख रही है, यही मेन यहाँ का जो एक क्या कहते हैं ना लाइफ लाइन है, इसी रोड, यही रोड आपको चंबा लेके जाएगा। अगर आपको इस इलाके से बाहर निकलना है तो आपके लिए यही एक ऑप्शन है बाय, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, और अगर आपने ट्रैकिंग करके कांगड़ा या धर्मशाला जाना है, ये वाले पहाड़ देख रहे हो आप पीछे, यहाँ से होके आप ऐसे जा सकते हो पीछे, लोग जाते भी हैं यहाँ से, ट्रैक करते भी हैं, पैदल आते भी हैं और पैदल जाते भी हैं, जो गडेरिए होते हैं ना यहाँ के, वो इसी रास्ते से जाते हैं सीधा कांगड़ा वाली साइड को। यहाँ पे ना लोगों ने खेती की और हमें लोग गालियाँ देंगे कि हम उनकी खेती को उजाड़ रहे हैं। किसके खेत है भाई, तेरे हैं, वो इसी बंदे के खेत है ये। अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से मैंने एक टैंक सा बना हुआ, उसमें हम नहाते थे बचपन में, वो भी आपको दिखाते हैं। बचपन क्या, जब छुट्टियों में आता था यार, वो दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो जो आंगन में घर पे मामा और मामी जो जिनको डंडे से पीट रहे थे ना, वो यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो चीज़, ये इन दानों के, ये दाने निकाले जाते हैं, फिर उनके जो है वो लड्डू बनते हैं। ये है राजमा जिनकी फलियाँ पक चुकी हैं, इसको भी यही प्रोसेस है, इसको यहाँ से उखाड़ के लेके जाएंगे और फिर घर पे जाके डंडे से पीट पीट के इनको निकाला जाएगा। ये दिखा, ये देखो, ये दिखा रहा आपको लाइव डेमो, दिखा भाई निकाल के राजमा इसमें से, ये देखो राजमा, दिखा ओरिजिनल राजमा यहाँ का बिना किसी मिलावट के, ये देखो लो, ये कर ले जाओ, टैंकना नहीं इनको ऐसे, इनको बीज देंगे तो उचेगा क्या राजमा, यही हो गया। आपको और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ना, ये देखो ये दीवार सी बनाई होती है ना खेतों के एंड में, ये बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी मल जो कहते हैं यार उसको क्या कहते हैं मसाले के, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट फिट कर देते हैं। तो ऐसे आर्किटेक्ट बंदे आपको पहाड़ों में मिलेंगे, इसमें कोई भी सीमेंट वगैरह नहीं लगाया लोगों ने, बस ऐसे ही इतनी तगड़ी टकरी है इनके पास कि ये पत्थर ही उस तरह के होते हैं लंबे से, जो पहाड़ होते हैं ना उसके होते हैं ये, तो उनको आपस में जो इस तरीके से जोड़ा जाता है कि बिना सीमेंट के ऐसे दीवार सी खड़ी हो जाती है, काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। और ये जो है सारा सेब का बगीचा है, सेब जो है वो इनसे तोड़ लिए गए हैं अभी, अब इसके बाद इन पौधों की मेंटेनेंस होगी, इनकी कटिंग होगी, वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा जो पिछले साल हुआ था। तो यहाँ पे छोटे छोटे अनार भी हैं, ये देखो ये अनार लगे अभी कच्चे हैं, ये मक्का पक चुका है, रुको मेरे लिए भाई, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो तुम लोग। ये क्या है हमारा कमांडो सेब तोड़ने, बेचारे एक पौधे पे एक ही सेब था वो भी इसने तोड़ लिया। हाँ जी, आपके खेतों में चोरी करने वाले आए हैं तीन जने, चोर आए हैं तीन आपके खेतों में। तो ये यहाँ पे दोस्तों सेबों की तोड़ाई हो रही है, हमारे मामा जी और ये हमारे मामी जी, अरे वीडियो बन रही है, अरे वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, हाँ हाय तो कर दो, आप भी कर दो हाय, आए हेलो कुछ तो कर दो, सेब तोड़े जा रहे हैं जेड़े रही है सर, तोड़ी ले सारी,
तोड़ के इसमें डाल देंगे, उसके बाद फिर मार्केट में चले जाएंगे। ये सेब है भाई, ये देखो पूरा बगीचा इन्हीं का ही है। मामा इस गांव में सबसे ज्यादा जो सेबों के मालिक है वो आप ही हो ना? नहीं रे, आप ही हो। पांच सात बूटे, एक दो तीन और चार पांच। आपके आप मतलब सच्ची हुई तो आड़े जा, मैं गुस्से में नहीं दिखे थे जितने तो आड़े मेरे आईडी और कुदे नहीं था इतने सेब। अच्छा आपने थोड़ी है नहीं। अच्छा मैं उच्चे तोड़े होंगे सारे, मतलब कैश का रिचेस्ट पर्सन है वो यही है जो पेड़ पे चढ़ा। ले 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 यार इनका बेटा, मैं नानी दा में बड़े बड़े सेब खवाई थे दिन है, तो खाने मन ही नहीं कर रहा। वो हमारे मामी जी राजमा तोड़ रहे हैं जो पक गए हैं, और मक्का भी लगा हुआ है यहाँ पे। वीडियो शूट हो रही है, हाई कर सकते हैं आप। वो हमें हमारी हमारी मासी, हम दीदी बोल देते हैं वैसे तो। अरे वो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, वो हमारी दीदी वहाँ बैठे हैं, बाय कर रहे हैं। हाँ क्या फूल, चला फूल देखे ये मक्की है भाई, पता है आप लोगों को, पहली बार देखी ना आपने। आया चलो ठीक है, मम्मा थोड़ा तो थोड़े से गांव और शूट कर लेंगे। ये देखो एक और लड़का लगा है यहाँ पे राजमा तोड़ने में, आज से 9 साल पहले ये पिद्दू सा था, और आज देखो इसको कितना लंबा हो गया। ये इसके 3-4 चैनल है इस समय। सही में तेरे यूट्यूब चैनल है? बता दे भाई कौन कौन से है, एक भी नहीं है। अच्छा इधर देख के हेलो तो कर दे, नाम क्या तेरा? हाँ आर्यन, हमें पता है तेरे मुंह से सुनना चाहते भाई हम। हैं क्या बोला? अरे यूट्यूब पे, अरे ना तो दस दे एडिट करेंगे प्रा। आर्यन है भाई, लड़का शर्मा रहा है कैमरे से। और ये इसका है रोहित कुमार 83 सर्च करें, ठीक है दिखे उस पर जाने। अली छोटा चैनल है, नवा क्रिएटर है मैं। सब्सक्राइबर भी काटन अली दसने जो गा नहीं पर अली। और ये यहाँ का देसी पूल, मैं और अजय भाई अभी वो कहीं के काम से चंबा, इसमें ना हम क्या करते थे कि पानी भर देते थे आता आता, और फिर इसमें नहाते थे। उस टाइम हम छोटे थे तो हमें काफ़ी बड़ा लगता था, लेकिन अभी हम बड़े हो गए थे हमें काफ़ी छोटा सा लग रहा है। और इधर कहीं पे नल है, वहाँ पे आपको वही दिखाऊंगा, वहाँ से पाइप डालते थे और सीधा इसमें, फिर यहाँ नहाया करते थे। तू भी नहाया ना हमारे साथ एक दो बारी? ये भी नहाया, ये तू भी नहाया, ये भी नहाया। ये कुछ आसपास का व्यू कुछ इस तरह का है, पेड़ पौधे हरियाली, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, हर चीज़ जो है वो नेचुरल है। ये है वन का पेड़, बिल्कुल डिफरेंट सा पेड़ है ये, यहीं देखा मैंने और कहीं नहीं देखा। इसके पत्तों पर जो है वो कांटे से लगते हैं, और इसको पशु खाते हैं भाई, और जब इसके पत्ते सूख जाते हैं तो सूख के बाद किसी के काम आते हैं सूखने, सूखे उसमें नहीं काम आते, नीचे बिछाने के लिए आते हैं ना। यही रीज़न था मेरा आना यहाँ आने का मेन, एक तो सभी से मिलना, और दूसरा काफ़ी टाइम हो गया था जो मैं यहाँ आया नहीं था, 9 साल से। सारी यादें ताज़ा होगी, सेब भी मिल के खेतों में लगे हुए, पेड़ों पर लगे हुए, और अभी उनका सीज़न ऑफ हो रहा है। मैक्सिमम के पहले हफ्ते के सारे सेब टूट जाएंगे और उनको पैक करके आगे मार्केट में भेज दिया जाएगा। ये है दोस्तों यहाँ पे जो नल नॉन स्टॉप चले रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई जी, नज़ारा देख रहे हो? हाँ यार, नज़ारा तक रहे हैं। कहाँ से वैसे? उड़ीसा से। उड़ीसा में भी ऐसे पहाड़ इतने नहीं, इतने नहीं, इधर तो अलग ही बातचीत है ना, टोटली अलग। हाँ प्लेन है, प्लेन नहीं है। उड़ीसा किस चीज़ में काम करते हो आप? प्रोजेक्ट वगैरह में? चलो बढ़िया। अब घर कब गए थे लास्ट टाइम? ये तो आज जा रहे हैं। अच्छा आज घर जा रहे हो? कैसे जाओगे, गाड़ी में? कितना टाइम लगता है यहाँ से? यहाँ से जाएंगे पठानकोट से हमारे उधर को लगेगा 40 घंटा। हाँ हाँ, पठानकोट से हमारे घर को लगता है ये 40 घंटा। 46 घंटे? 40 घंटे लगे। पठानकोट से इधर कितना घंटा आपको? हाँ इधर से पठानकोट के लिए आपके कितने लगेंगे यार? 4 घंटे चंबा के लिए, और लगभग वही 7-8 घंटे। 8 घंटा? हाँ, 46 घंटा हो गया ना। बहुत आपकी तो हालत खराब हो जाती होगी ना सफर करते करते। चलो बढ़िया,
मैं खुद 9 साल बाद आया यहाँ पे, मेरी नानी का घर है। मैं वैसे ज्वाला जी से हूँ, मैं भी हिमाचल गई हूँ ज्वाला जी से, पर रहते हम चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से आया मैं। हाँ चंडीगढ़ से आया, यहाँ पे काफी बचपन बीतता मेरा, तो मैं नानके आता रहता था ना, बस इधर ही जा रहा था थोड़ा घूमने घूमने। यही रहते इस वाले मकान में, हम नीचे में थे। ऑफिस है ना, इधर ऑफिस होता है हमारे, इसका कितना पेमेंट है सब हिसाब पत्र हो रहा है, हिसाब पत्र क्या क्या लेंगे। अच्छा अच्छा, तो कहाँ रहते हो अभी, कहाँ रह रहे हो फिलहाल? अभी तो हम इधर में रह गए, लेकिन हम रह थे तो वो आगे जो नीचे जो हीलिंग वाला, जो हीलिंग में, और अभी इस वाले घर में रह रहे हो, इसका जो सेकंड वाला घर। अच्छा, जो मदर मामे था, क्या नाम है इनका? हाँ अच्छा, मदन मामा, चलो बढ़िया है, चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे गाइस बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, किसके लगते हैं? पावर प्रोजेक्ट ना। हाँ तो यहाँ पे गाइस बहुत बड़े बड़े ना प्रोजेक्ट लग रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट। बड़ी बड़ी सुरंगें पहाड़ों को खोदा जा रहा है, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, और ऑल ओवर इंडिया के जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, तो अच्छी भी है ये बात कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। धीरे धीरे जो यहाँ की चीज़ें वो अपडेट भी हो रही हैं, दिखाता हूँ। वो देखो ये सारे जो ये पिलर्स हैं ना, ये अभी 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 बनाए हैं, ऐसे नीचे जा रहे हैं, नीचे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, फिर इनके थ्रू जो है वो पीछे जितने भी गाँव उन तक बिजली जाएगी। लेकिन रोड की हालत देख लो, क्योंकि यहाँ पे ना भारी भारी डिपर चलते हैं, भारी भारी ट्रक, तो उनकी वजह से रोड जो धस चुकी है एक साइड को, रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है यहाँ की, बाकी सब बढ़िया है। और यहाँ पे बाकी रोज़गार का जरिए वही है पावर प्रोजेक्ट, जो जितने भी लग रहे हैं ना होली में, या यहाँ लामू में, या चोली में, जितने भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को, मेरे मामा को भी यहाँ पे रोज़गार मिला है उन्हीं की तरफ से, तो अच्छी बात है। बाकी अगर मेन थोड़ा रोड्स की कंडीशन थोड़ी ठीक कर देते तो और भी अच्छा रहता। बाकी अभी आगे जा रहे हैं थोड़ा घूमने, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, और दिन में ज़्यादा मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया आज, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, उससे पहले वीडियो एडिट कर रहा था, अभी अपलोडिंग पे लगाई हुई है वीडियो, अभी अपलोड भी नहीं हुई है वो। ये हिलिंग यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो अभी पीछे तक गए थे घूमने, और अब फिर आगे वापस जा रहे हैं कहीं और जाने का प्लान। हाँ पहले मंदिर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं आगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो आपको दिखाते हैं।